नमस्कार, आप उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पर्यटन के लिए सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश देने के लिए रविवार को साइकिल रैली का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुबह रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का आयोजन उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से किया गया था। वहीं राज्य के 21वें वर्ष में प्रवेश के लिए सभी को बधाई देते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड राज्य भौगोलिक विषमताओं से भरा प्रदेश है, जिसमें साहसिक खेलों की बहुत ज्यादा संभावना है। प्रदेश में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में अलग से विभाग बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सीएम आवास से जॉर्ज एवरेस्ट तक की ये साइकिल रैली एडवेंचर से भरपूर है। मुख्यमंत्री ने माउंटेन बाइकिंग रैली में 13 महिलाओं के प्रतिभाग करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे साहसिक खेलों के प्रति अन्य महिलाएं भी जागरूक होंगी। रैली में शामिल होने के लिए 225 राइडरों ने पंजीकरण कराया था। उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिवस पर पर्यटन विभाग की ओर से देहरादून से मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट हाउस तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। आयोजित रैली में महिलाओं और पुरुषों को मिलाकर 150 लोगों ने हिस्सा लिया और इस मौके पर मसूरी विधायक गणेश जोशी ने जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर प्रतिभागियों को सम्मानित किया। तो वहीं पर्यटन विभाग की ओर से इस मौके पर एयर बैलून का आयोजन किया गया, जिसमें बैठकर विधायक जोशी ने साहसिक खेल प्रेमियों को उत्साहित किया। इस मौके पर विधायक गणेश जोशी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से चाहे रिवर राफ्टिंग हो, माउंटेनिंग हो, चाहे भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आपके सर्टिफिकेट इसके माध्यम से स्टेट से ही मिलेंगे, सो प्लीज टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं आप सबको राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हमारा राज्य पूर्ण रूप से जवान हो गया, 21 साल का हो गया। वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रविवार को बहुप्रतीक्षित डोबरा चांठी पुल का उद्घाटन किया। यह देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। इस ब्रिज से टिहरी जिले के प्रतापनगर क्षेत्र की करीब 2.5 लाख की आबादी को फायदा मिलेगा। और इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रतापनगर के लोगों ने इसके लिए लंबे समय तक इंतजार किया। राज्य स्थापना दिवस पर यह उनके लिए सौगात है। अब लोगों को टिहरी जाने के लिए लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा। इस पुल को आकर्षक भी बनाया गया है, जिससे यह पर्यटन का केंद्र बनेगा। आपको बता दें, वर्ष 2005 में टिहरी बांध की झील के भरने के कारण प्रतापनगर के आवागमन के रास्ते बंद हो गए थे, जिसके चलते लोगों ने लंबे समय तक लंबगांव ओखला खाल से लेकर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रभावितों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। भारी जन दबाव के कारण तत्कालीन सीएम नारायण दत्त तिवारी ने पुल की स्वीकृति थी। बहुत अच्छी तरह समझता हूँ और सच बात है कि उनसे माफी भी मांगना चाहता हूँ कि बहुत लंबे समय तक आपने एक कष्ट झेला, आपने देश के लिए टिहरी बांध को बनाने की अनुमति दी और उसके कारण यहाँ के लोगों को परेशानी हुई। थोड़ा इमोशनल इशू भी है मेरे लिए कि जब टिहरी बांध का डाउन पूरी चेहरा पे आ रही है, जब पानी भर रहा था, गांव डूब रहे थे, मैं कंडल गांव में था और कंडल गांव में लोग अपने घरों की छतों पर देर पर दिए जलाकर रख रहे थे और उनकी आंखों में। टिहरी में जहां एक और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोबरा चांठी पुल का लोकार्पण किया, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत जो है वह भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की सरकार डोबरा चांठी पुल का श्रेय लेने का काम कर रही है, जबकि पुल का निर्माण कांग्रेस के समय शुरू हुआ था। 2002 से 2007 के बीच इसका निर्माण कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया था, लेकिन जुमलेबाजों की सरकार डोबरा चांठी पुल को लेकर डुगडुगी पीटने का काम कर रही है।
जिस तरह से मुख्यमंत्री और पूरी भाजपा की सरकार डोबरा चांटी पुल पे श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, उससे ही साफ पता चल रहा है कि वो कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। 2002 से लेकर 2007 के बीच में जब हमारी सरकार थी, उस वक्त इस पुल पर काम चला, 7 से लेकर 12 तक बाधित रहा, 12 से 17 फिर हमारी सरकार आई तो पुरजोर तरीके से इस पर काम चला। और ये वहाँ की स्थानीय जनता आपको बेहतर बता सकती है कि किन सरकारों के दौरान इस पुल के निर्माण के लिए कार्य हुआ है और प्रगति के रास्ते पर हम आगे बढ़े हैं। अब डुगडुगी पीटने से कुछ नहीं होता, जुमले जितने आप। वहीं उत्तराखंड के छात्र छात्राओं को बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रविवार को प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के लिए मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी की शुरुआत की। प्रदेश के सभी सरकारी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने वाला उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है। मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र के डोईवाला के शहीद दुर्गामल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से इस सुविधा की शुरुआत करने के बाद प्रदेशवासियों को इस मामले में उत्तराखंड के देश का पहला राज्य बनने पर बधाई दी और कहा कि युवाओं के लिए यह सुविधा वरदान साबित होगी। यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सुविधा के माध्यम से प्रदेश के छात्र छात्राएं अपने अपने क्षेत्रों में बहुत कुछ हासिल कर चुके महान विद्वान लोगों से ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि युवा न सिर्फ स्वयं रोजगार प्राप्त करने के लायक हों बल्कि अन्य लोगों को रोजगार देने लायक भी बने। अपने उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज। सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर उत्तराखंड के चमोली से, जहां पर थराली विधानसभा के थराली देवाल नारायणबगड़ विकासखंड में बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग की कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण वर्ग में बीजेपी के शक्ति केंद्रों के संयोजक, बूथ अध्यक्ष, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें, प्रशिक्षण वर्ग के तहत कार्यशाला में पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का संदेश दिया गया। वहीं जिला संयोजक राकेश जोशी ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं से बीजेपी के जन कल्याण की योजनाओं का आमजन तक ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने की अपील करते हुए कहा कि बीजेपी इस समय में विश्व की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पार्टी है और मजबूती में पार्टी को खड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान पार्टी के कार्यकर्ता का है। तो साथ ही कहा कि प्रशिक्षण वर्ग का निश्चित तौर पर कार्यकर्ता लाभ उठाता है और अपना अनुभव बढ़ाते हुए पार्टी को मजबूती देता है। आयोजित हो रहे हैं, अपेक्षित जो संख्या रखी गई थी सभी लोग पहुंच रहे हैं। खत्म ही करो से आपको छूट रहा होगा, लेकिन जो अपेक्षित लोग थे सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। एक कार्यकर्ता को पार्टी की रीति नीति को आगे ले जाने के लिए
पार्टी को मजबूत करने के लिए आगामी होने वाले चुनाव को अक्सर विवादों में रहने वाले बीजेपी के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। लोगों का गुस्सा आए दिन सातवें आसमान पर विधायक के प्रति बढ़ता जा रहा है। रविवार को खानपुर विधानसभा में जो हुआ वह विधायक के लिए शर्मनाक है और पार्टी के लिए भी। किसी विधायक की उसी की विधानसभा में शव यात्रा निकाली गई हो और अंतिम संस्कार किया गया हो। दरअसल आपको बता दें कि खानपुर विधानसभा की सीट पर गढ़ कहे जाने वाले बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पूरी तरह से चित्त होते नजर आ रहे हैं। वहीं इसके पहले शनिवार को भी खानपुर विधायक के बेटे दिव्य प्रताप सिंह को कुछ युवकों ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया था। अभद्र भाषा की ऑडियो वायरल होने के बाद खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर अभद्र भाषा का आरोप लगाया गया था, जिसमें लक्सर से पुतला दहन कर चैंपियन को माफी मांगने की मांग की गई थी। तो अपने ही विधानसभा में यहां पर चित्त होते हुए नजर आ रहे हैं। अक्सर विवादों में रहने वाले बीजेपी के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और लोगों का गुस्सा आए दिन सातवें आसमान पर इन विधायक के प्रति बढ़ता ही जा रहा है। और आज रविवार को खानपुर विधानसभा में जो हुआ वह विधायक के लिए शर्मनाक है और साथ ही साथ पार्टी के लिए भी। ये प्रकरण जो अभी हाल फिलहाल में क्षेत्रीय विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन की एक ऑडियो वायरल हो रही है, उसके संबंध में उन्होंने हमारे समाज के सम्मानित लोगों को अभद्रता का इस्तेमाल किया है, अभद्र शब्द बोल रहे हैं, अपमानित किया है। उसने कल हमारे खिलाफ, हमने उसका विरोध किया परसों, तो हमारे खिलाफ उन्होंने एक झूठी तहरीर दी है कि उसमें देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। उसी के विरोध में हमारे गांव ने, गुजर बिरादरी ने, सब समाज के भाइयों ने उनकी सब यात्रा आज यहाँ निकाल लिया, उनका दहन किया है, उनका अंतिम संस्कार सब कुछ आज ही है। तिज्जा तहरी ब्राह्मण हमने सब कुछ उनका आज निपटा दिया और उन्हें ये बात चेताना चाह रहे हैं कि विधायक जी आप सम्मानित व्यक्ति हो और आपके लिए जो मानसिकता तुच्छ मानसिकता है उचित नहीं है, इसे सुधारो और अभी जो आप आने वाले चुनाव में होंगे अपनी अहमियत का आपको अंदाजा हो जाएगा। ये सर्व समाज के भाई मिलकर आपको हराना काम करेंगे और आपको जो जहां से आप उठ कर गए थे वहीं से आपको नीचे उतरने का काम करेंगे। यूपी के अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर आपको बता दें कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी एक दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर ऋषिकेश पहुंचे। स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में वेद निकेतन आश्रम पहुंचने पर स्वामी विश्व प्रसन्नता तीर्थ का पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत हुआ और इस दौरान स्वामी विश्व प्रसन्ना तीर्थ ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि श्री राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो चुका है, करीब 3.5 साल में मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। काम शुरू हो चुकी है, प्रारंभ में इतना बड़ा मंदिर वहां होने वाला है, जमीन का धारण सामर्थ्य कितना है इसका परीक्षण अभी। एनबी न्यूज में खबरें लगातार जारी रहेंगी, हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान
या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड के मसूरी में कीर्तिनगर नागरिक विकास समिति की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल सैन्य सचिव सेवानिवृत्त अनिल कुमार भट्ट को हिमाचल प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, मसूरी में शिक्षा हासिल करने के बाद सेना में भर्ती होकर उन्होंने सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक और उत्तम सेवा पदक जैसे महत्वपूर्ण पदक हासिल किए और सेना में कई अहम पदों पर रहे। और इस दौरान अनिल कुमार भट्टा ने कहा कि सेवानिवृत्ति के उपरांत मसूरी में ही कार्य कर जनता की सेवा करना चाहते हैं और अपने प्रदेश के लिए कार्य करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। तो साथ ही कहा कि भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। तो कीर्तिनगर नागरिक विकास समिति का कार्यक्रम था ये। आपको जानकारी दे दें कि अनिल कुमार हिमालय प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के मसूरी में कीर्तिनगर नागरिक विकास समिति की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल सैन्य सचिव सेवानिवृत्त अनिल कुमार भट्ट का हिमाचल प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया। दीपावली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में मिलावटखोरों का गोरख धंधा भी तेजी के साथ चल पड़ता है। ऐसे में आम लोगों को जिंदगी से इनकी जो खिलावड़ होती है, इसीलिए प्रशासन की तरफ से छापेमार कार्रवाई जो है वह की जाती है। मिठाई की दुकानों और डेयरी में मिलावट वाला मावा तैयार ना हो पाए, इसीलिए यह कार्रवाई की जाती है। और इसके चलते SDM विकास नगर सौरभ ओसवाल ने दुकानों में छापा मारा और उन्होंने बताया कि दीपावली का त्योहार नजदीक है, इसके चलते एक हफ्ते से लगातार मिठाइयों की दुकान और डेयरी पनीर और खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा रहे हैं, जिसमें छोटी और बड़ी दुकानों के खाद्य सामग्री का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। फिलहाल आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई को देखते हुए कई दुकानदारों में भगदड़ भी दिखाई दी। अपनी दुकानों को बंद कर वे वहां से चले गए। मिठाई की दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है और देखने में आ रहा है कि कुछ दुकानें जो हैं, जो डेयरी की दुकानें हैं, वो कार्रवाई के नाम सुनते ही जो है वो बंद होकर के बंद कर दी गई है। नहीं देखिए, ये अभियान हमारा लगातार चल रहा है, एक हफ्ते पिछले एक हफ्ते से चल रहा है क्योंकि त्यौहार का सीजन। तो मिठाई की दुकानों पर आपको बता दें छापा मारा गया है। त्यौहार के सीजन में नकली मिठाई का जो खेल है वो चलता रहता है और इसी के तहत मिठाई की दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। दिवाली का त्यौहार नजदीक है और ऐसे में मिलावटखोरों का गोरख धंधा जो है वो तेजी के साथ चल पड़ता है और ऐसे में आम लोगों की जिंदगी के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो, इसीलिए प्रशासन की तरफ से छापेमार कार्रवाई की जाती है। मिठाई की दुकानों और डेयरी में मिलावट वाला मावा तैयार ना हो पाए, इसीलिए इस तरह की कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस की महामंत्री शिल्पी अरोड़ा ने दीपावली के उपलक्ष्य में आवास विकास स्थित अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महिलाओं को लेकर बीजेपी शासित राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में महिलाएं खुद को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं जिनके कैबिनेट मंत्री और गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे खुद आरोपी हैं, लेकिन अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया।
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी शासित राज्य सरकार आरोपियों को संरक्षण देती है, चाहे आप हाथरस की बात कर लो, चाहे उन्नाव की। ऐसी ही सैकड़ों मामले हैं जहां पर अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है और उल्टा पीड़िता के खिलाफ केस बनाए जा रहे हैं। भाजपा शासित प्रदेशों में और औरों में सबसे बड़ा फर्क यह है कि वो संरक्षण देती है अपराधियों को, चाहे आप हाथरस की बात करें, चाहे आप उन्नाव की बात करें। और उसके बाद सैकड़ों और कांड हो चुके हैं जहां दो दो तीन तीन साल पांच पांच साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के विधायक खुद आरोपी हैं, अभी तक उनको अरेस्ट ही नहीं किया गया, उल्टा आप महिला जो पीड़िता है उसके ऊपर आप केस बना रहे हो। कितनी मुश्किल से समाज इस लेवल पे आया है कि महिलाओं को इनकरेज करके कि भाई तुम आगे आओ, कुछ तुम्हारे साथ गलत होता है उसकी शिकायत करो। मुझे लगता है रेप और महिला शोषण से बड़ा कोई अपराध ही नहीं है। और ऐसे में सरकार संरक्षण दे रही है ऐसे लोगों को, तो आधी आबादी जो 50% हमारे देश की है उनके ऊपर अन्याय कर रही है। आप पीड़ित परिवार के घर में सीसीटीवी लगा रहे हैं, आप कभी कहते हैं ऑनर किलिंग है, कभी आप किसके ऊपर नाम लगाते हैं, कोई भाई क्या ऐसे मारता है क्या? उत्तराखंड के जोशीमठ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन हरकत में आ चुका है। पुलिस की ओर से यहां लोगों को मास्क पहनने की अपील की जा रही है। वहीं इस दौरान पुलिस ने बिना मास्क पहने लोगों का चालान भी काटा और जरूरतमंद लोगों को मास्क वितरित किए। आपको बता दें पुलिस ने 30 लोगों के चालान किए जिसमें पुलिस को लगभग 6,000 की आमदनी हुई। ये जब से कोरोना काल चला है तब से मास्क पहनना जरूरी हुआ है। ये सरकार द्वारा ये दिशा निर्देश जो है समय समय पर जारी किए जाते हैं और हमारे द्वारा इसमें अभियान चलाया जाता है। इसमें जोशीमठ शहर के सभी स्थलों पे जो है बिना मास्क वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, उनके चालान काटे जाते हैं, उनके मशीन के मास्क भी वितरित किए। कोरोना से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हरिद्वार पुलिस प्रशासन की तरफ से मुख्य बाजारों में फ्लैग मार्च निकाला गया। एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। इस फ्लैग मार्च में सभी सर्किल ऑफिसर, थाना प्रभारियों और पुलिस कर्मियों ने भाग लिया और पुलिस कर्मियों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। वहीं ज्वालापुर कोतवाली से शुरू होकर फ्लैग मार्च मुख्य बाजार होते हुए रेलवे स्टेशन पर खत्म हुआ और इस दौरान एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर पुलिस मुख्यालय और एसएसपी हरिद्वार के निर्देशों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया। तो साथ ही उन्होंने कहा कि दीपावली त्योहार के मौके पर बाजारों में काफी भीड़ उमड़ रही है और ऐसे में मास्क लगाना, दो गज की दूरी रखना बेहद ही जरूरी है। गाइडलाइन का पालन करके ही हम कोरोना संक्रमण को रोक सकते हैं। तो दीपावली को देखते हुए ये मार्च निकाला गया है। आपको जानकारी दे दे कि कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम जो है वह किया जा रहा है और इसी के तहत पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। तो कोरोना से बचाव के प्रति और लोगों को जागरूक करने के लिए हरिद्वार पुलिस प्रशासन की ओर से मुख्य बाजारों में फ्लैग मार्च निकाला गया और एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय के नेतृत्व में यह फ्लैग मार्च किया गया। इस फ्लैग मार्च में सभी सर्किल ऑफिसर, थाना प्रभारी और पुलिस कर्मियों ने भाग लिया और पुलिस कर्मियों ने हाथों में बैनर और पोस्टर को लेकर लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक किया। और इसी के साथ ही आप लोग उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।